चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश में 18वीं विधानसभा के गठन की तारीख घोषित होने के बाद सभी राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ तथा सपा प्रमुख अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की घोषणा के बीच बहुजन समाज पार्टी ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं। बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने पार्टी के प्रचार अभियान के दौरान अपने दल की योजना को मीडिया से साझा किया। सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। जी हाँ, उन्होंने आगे यह भी कहा कि इतना ही नहीं, मैं भी विधानसभा के चुनावी मैदान में नहीं उतरूंगा। प्रदेश में बहुजन पार्टी के प्रत्याशी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अंत में उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पास 400 प्रत्याशी भी नहीं है। जब समाजवादी पार्टी के पास उम्मीदवार नहीं होंगे तो वह 400 सीटें कैसे जीतेंगी। मिश्रा का यह दावा है कि प्रदेश में न तो सपा सत्ता में आएगी और न ही भाजपा। उत्तर प्रदेश में तो बसपा ही सरकार बनाने जा रही है। जो पार्टी अकेले सभी सीट पर अपने प्रत्याशी उतार रही है उसकी जीत तो तय है। उसके नेता तथा कार्यकर्ता बेहद सक्रिय होकर मैदान में डटेंगे और बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती 5 राज्यों में चुनावी अभियान की अगुवाई भी करेंगी। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पंजाब केसरी.com के साथ।